आज की खबर दिल्ली के जिलाधिकारी कार्यालय से आई है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया है। इस उग्रवादी ताकतों ने जिला मजिस्ट्रेट से मांग की है कि वे अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और बुलडोजर का इस्तेमाल करने से रोक लगाएं। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया है, जिसे योगी बाबा के बुलडोजर से खत्म किया जा रहा है। इसका मकसद सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकना लोगों में डर बिखेरने जैसा है। उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया है कि ये अवैध कब्जा करने वाले लोग क्यों सरकारी जमीनों पर ही अपना कब्जा करते हैं। उन्हें जिंदगी में समृद्धि पाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जितनी भी सरकारी जमीन पड़ी थी, उस सभी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो गए थे। पहले मुगल शासकों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर कब्जा करके अवैध ईदगाह बनाई। उसके बाद मुगल शासकों के वंशजों ने जन्मभूमि के चारों तरफ रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। माननीय योगी बाबा के सहयोग से और रेल मंत्रालय के सहयोग से बाबा का बुलडोजर मथुरा में चल रहा है। जनता में बहुत खुशी है। इस प्रकार के अवैध कब्जे हटने चाहिए। अधिकारियों को और योगी बाबा की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अवैध कब्जे नहीं हटेंगे तो जनता उस पर फिर कब्जा करेगी। जब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा तो लोगों के मन में भय होगा, सरकारी जमीनों को नहीं दाबेंगे। ये थी मथुरा से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरीके की और जानकारी के लिए बने रहे टुडे जुनून के साथ।